Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO-certified CBSE and State Board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना DAPSC के तहत केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में खरीफ पूर्व किसान सम्मेलन और किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन खरीफ पूर्व परामर्श के साथ साथ गहन रोपण विधियों और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके कपास की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के पूर्व निदेशक और कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ CD मेई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि संस्थान द्वारा लागू की गई इस योजना से किसानों को लाभ मिलना चाहिए, साथ ही किसानों को विभिन्न विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कृषि आदानों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कपास की फसलों की गुणवत्ता में सुधार, उपज बढ़ाने के लिए फसल के चरणों में तकनीकी मार्गदर्शन लाने का भी सुझाव दिया। ये करीब पूर्व जो किसान सम्मेलन हम आयोजन किया है, इसका ये मतलब पर्पस ये है कि जो इनपुट्स अनुसूचित जाति हमारा जो गांव है उसमें 5 गांव से शुरू के हमने उनको सीड किट्स, फर्टिलाइज़र किट, पेस्टिसाइड जो बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स, एक्वाफ्रेंडली इंसेक्टिसाइड्स है वो उसके साथ हमारा ये फार्मर्स ट्रेनिंग किसान का प्रशिक्षण उसका क्या करना चाहिए अगला सीजन में उसका पूरा हमारा एक्सपर्ट्स विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। फार्मर्स का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर करेंगे और कपास का, खासकर कपास का उत्पादन कैसे, उत्पादकता कैसे बढ़े उसका पूरा जानकारी ये वर्कशॉप में मिलेगा। और हम अगले दिनों में एक पूरा SC ST जो 50% का प्रतिशत से जनाबा है उसका गांव का एक पूरा नक्शा बदलने का एक प्रयास हम शुरू करेंगे। एक गांव दत्तक करेंगे हम, उसका पूरा जो पर्यवस्था करना है उसका रूपरेखा हम शामिल कर रहा है। और जो फार्मर का ये सुझाव आएगा इस सम्मेलन में वो भी आगे लेते वर्कशॉप कितने दिन का रहेगा? ये आज का कर रहा है और दोबारा दूसरा भी करेंगे। दूसरा दीपंकर भुजंगराव सहारे, मी पावनार तालुक्यातील लिंगा येथील छोट्याशा गावातील एक शेतकरी। आज जवळपास आम्हाला 1 वर्ष होत आहे आम्ही या केंद्रीय कापूस उत्पादन आणि संशोधन केंद्रामध्ये आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनातून आणि त्यांच्या नेतृत्वावर आम्ही आज शेती करतो। खूपच फायदेशीर आहे आणि त्यांनी दिलेले आम्हाला प्रोडक्ट जे जैविक आहेत आणि कीटकनाशक आहेत यांच्यामुळं आमच्या शेतीला खूप उत्पादनात फरक पडलेला आहे। यांच्या वेळोवेळी माहितीनुसार आम्ही शेतात तसं आम्ही शेताला इम्प्रूव्ह करतो, पिकाला इम्प्रूव्ह करतो, त्यानुसार आम्ही शेतीत आणि पिकांमध्ये फारसा बदल करून आम्ही उत्पादनात वाढ केलेली आहे। तसंच मी धन्यवाद करतो केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचा की त्यांनी या अनुसूचित जाती उपाय योजनेअंतर्गत जे आम्हा शेतकऱ्यांना जो फायदा मिळून दिला त्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे आणि आमच्या हिंगा गावातील शेतकऱ्यांकडून मी त्यांचे धन्यवाद सुद्धा देतो। तसेच हवामान चेंज झाला की लगेच त्याच दिवशी किंवा त्याच्या नेक्स्ट डेला कॉल येऊन सांगतो की तुम्ही हवामान चेंज झाला आहे, तुम्ही या पिकाला या पेस्टिसाइडची फवारणी करा हे सुद्धा सांगलं जातं आहे आणि त्याच्यामुळे जो हवामानामुळे येणारा जो पीक जे नुकसान आहे ते त्याच्या बचाव खूप छान तऱ्हेनं आम्ही हँडल करत आहोत। थँक्यू।
हमारे आदरणीय और प्रेरणा स्थान चंद्रपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शिल्पकार, खनिज विकास निधि के प्रेरणा, पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय नरेश बाबूजी पुगलिया जी को कुशल पुगलिया, करण पुगलिया, पुगलिया परिवार और समस्त श्री गौरव कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपली बैंक चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बैंक, शेतमजुरांची बैंक, महिलांची बैंक, युवकांची बैंक, जिव्हाण्यांची बैंक, आपल्या सर्वांची बैंक, 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल, सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इन्वर्ट अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS, मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM वॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसाय करिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर्ज, पगारदार महिला करिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर। नागपुर की बड़ी खबर सामने आई है, जहां वेल्डिंग करते समय गैरेज में धमाका हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि गैरेज संचालक सहित 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। दरअसल कामठी रोड पर ऑटोमोटिव चौक से मानकपुर की तरफ जाने वाले रिंग रोड पर सुखपाल सिंह के SS बॉडी वर्क नामक गैरेज, फैब्रिकेशन और वेल्डिंग की दुकान में ट्रक चालक सुखचंद सिंह अपने ट्रक के डीजल टैंक दुरुस्त करने के लिए गैरेज में पहुंचा था। दोपहर में करीब 1:30 बजे तकदीर राज कटर से टैंक को काटने और वेल्डिंग करने का काम कर रहा था। बाकी लोग उसके आसपास बैठे हुए थे, तभी टैंक में जोरदार धमाका हुआ। टैंक भले ही खाली था लेकिन वेल्डिंग करते समय टैंक में अचानक विस्फोट हो गया, इससे टैंक के परखच्चे उड़ गए और गैरेज में आग लग गई। चपेट में आने से तकदीर राज की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मियों में गैरेज संचालक सुखपाल सिंह चौहाल, 5 पावली सुखचंद सिंह, बलविंदर सिंह, गुल्लर योगेश, गणेश नतके, कपिल नगर निवासी शामिल हैं, जबकि तकदीर राज सुखदेव कामले की मौत हो गई है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को दोपहर में हुए इस हादसे से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और कपिल नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आज की तारीख में, उनके काम आया था वो साफ सफाई करके उनको निकाल, तो जब वो ट्रक की निकाल के अपने गैरेज में साफ सफाई कर रहे थे, तो उसी वक्त टंकी वाला को जो मदद था उन दोनों की हिम्मत थे, तो कटर से काटने लगे, उसमें अचानक वो दिल्ली से मुझे आग लगी और स्फोट हो गया। अब उसमें 4 लोग जख्मी हो गए, उसमें से 24% चल गए, उसके बाद 2 लोग वो 20% समया करियर इंस्टीट्यूट, 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल,
पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की। हमें सौमैया करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौमैया करियर ऑफ इंस्टीट्यूट में बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहाँ अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौमैया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 9271526128 या 9168901429। पता सौमैया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वड़गांव वार्ड, चंद्रपुर। श्री जैन सेवा समिति चंद्रपुर द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्टेट बोर्ड CBSE स्कूल और जूनियर कॉलेज की ओर से हमारे सबके आदरणीय और प्रेरणा स्थान पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय श्री नरेश बाबू जी पुगलिया जी को जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख देने वाली घटना सामने आई, जहां पूर्व लोकसभा सदस्य प्रकाश आम्बेडकर ने महाराष्ट्र सरकार पर अनेक विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि NCP के कुछ लोगों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर राकापा स्तर नहीं होती है तो महाविकास अघाड़ी का सीट आवंटन संभव नहीं है। दूसरी ओर कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने स्वावलंबन की भाषा छेड़ दी है, इसलिए वर्तमान स्थिति में महाविकास अघाड़ी में अस्थिरता है। साथ ही अम्बेडकर ने कहा कि NCP के कई नेताओं की जांच चल रही है और ये देखना होगा कि वे जेल चुनते हैं या आजादी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति ने महाराष्ट्र में कदम रखा है। यदि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन देते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वे अन्य क्षेत्रों में कैसी प्रतिक्रिया आती है। हालांकि BRS से कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, ऐसा दावा अम्बेडकर ने किया। छत्रपति संभाजी महाराज की स्वराज्य पार्टी ने भी राजनीतिक आंदोलन शुरू कर दिया, इनका असर भी हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नए राजनीतिक विकल्प भर रहे हैं। साथ ही आगे बोलते हुए BJP पर भी कई विवादित बयान दिए। आइए जानते हैं उन्होंने आगे बोलते हुए क्या कहा। मुझे अनावास कोणाची इच्छा नाही, पण भारतामध्ये आम्ही सर्वश्रेष्ठ आहोत आणि आम्ही सर्वश्रेष्ठ आहोत तर जगामध्ये सुद्धा आम्ही सर्वश्रेष्ठ आहोत। हा जो डिंडोरा BJP आणि RSS ने प्रचारात्मक केलेला आहे, त्यातून मग मध्यंतरी पुतीनला सल्ला देण्याचा व्यवहारही झाले। मध्यंतरी आपण बघत असाल की फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यांनी जर्मनीला आणि EU फार मोठ्या प्रमाणात बातम्या आपण सगळ्यांनी शाळले की शानपणा शिकवला। आता रिटर्न बॅक करण्याची वेळ आलेली आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो। जुलै महिन्यानंतर महागाई वाढली, एक्सटर्नल बॅलन्स ऑफ पेमेंट म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज मधलं एक्सटर्नल बॅलन्स ऑफ पेमेंट याच्यामध्ये क्रायसिस निर्माण झाला, तर ह्याला पूर्णपणे जबाबदार BJP आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्क्लुडिंग RSS हे राहणार, तेव्हा याच्यावरती उपाय काय हा सरकारने लोकांना सांगितला पाहिजे असं आव्हान मी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करतो। नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीजनी हा इशू सिरियसली घ्यावा आणि कुठेतरी BJP आणि RSS डझंट बीन इंडिया तेव्हा त्यांनी घेतलेली भूमिका की त्यांनी बजावलेली भूमिका ही सर्व भारतीयांची आहे असं नाही,
आणि म्हणून जे काही इंटरनॅशनल स्टेटसच्या संदर्भातलं भांडण सुरुवात झालेलं जे आहे त्याचं भारतीय जनतेवरती परिणाम होऊ नये या दृष्टीने राष्ट्रीय पक्षाने भूमिका घ्यावी. MSPM ग्रुप महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल 1 जूनियर कॉलेज 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम 1 डी फार्म कॉलेज 4 ITI कॉलेज 1 सोमया फिल्म्स और 1 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियो 250 शिक्षक और 300 सहायक कर्मचारी का विशाल स्टाफ 28 वर्षों से 30,000 से अधिक छात्रों को अपना उज्जवल करियर बनाने की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. यह संभव हुआ है आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन और MSPM ग्रुप के चेयरमैन श्री P.S. अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व से. हार्ड वर्क एंड परसीवरेंस विद द जेन्युइन एंड लॉजिकल अप्रोच ऑलवेज गेट्स यू टू योर ड्रीम पोजीशन. दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई मोटिवेट माय स्टूडेंट्स फॉर द सेम. और आइकॉन ऑफ विदर्भ एजुकेशन तथा MSPM ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री पीयूष अंबेडकर के भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ. छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए उन्हें नवीनतम तकनीक और सुविधाएं मिलनी चाहिए, यही मेरा दृष्टिकोण है. और प्रबंधन की सबसे प्रेरणादायक महिला श्रीमती अंकिता पीयूष अंबेडकर के साथ. मैं सही चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखने में विश्वास रखती हूँ. अब हमारी नीट JEE और MHT CET की कोचिंग हमारे 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपके बच्चे को एक सफल डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए तैयार करके उनके भविष्य को सवारने के लिए तैयार है. सौमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 9271526128 या 9168901429. पता सोमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर.